नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। तो ये है सैमसंग का J7 Max, जिसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग का। ये चार्जिंग नहीं ले रहा है, ये देख रहे हैं। हमने यहाँ पे चार्जिंग केबल लगा रखा है पर यहाँ पे चार्जिंग शो नहीं हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हीटिंग है यहाँ पे इस IC के पास और यहाँ पे पावर IC के पास काफ़ी ज़्यादा हीटिंग वगैरह है। तो ये चार्जिंग IC है यहाँ पे लगा हुआ, इसको शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पे, हमने चेक किया है। तो इसको रिप्लेस नहीं करना है हमें, मेन नीचे से देखना है। यहाँ पे एक IC होता है लगा हुआ, तो यहाँ पहले हमें देखना है। तो इसको पहले हम बाहर निकालते हैं। तो पहले मदरबोर्ड को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक IC होता है जो चार्जिंग IC है, एक तरह से ड्राइवर समझिए इसे, रेजिस्टेंस टाइप का होता है जो इस तरफ से हमें वोल्टेज को आउट करके यहाँ देता है। तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है या नहीं ये हमें पहले चेक करना है, यहाँ तक हमारा वोल्टेज पहुँच पा रहा है या नहीं पा रहा है, पहले ये भी चेक कर लेना है हमें। तो चार्जिंग केबल हम यहाँ पे लगा देते हैं, देख सकते हैं, और हमें यहाँ वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ आउट कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पे हमारा आउट नहीं हो रहा है वोल्टेज। यहाँ देखते हैं इस तरफ, तो इस तरफ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा वोल्टेज यहाँ शो कर रहा है और यहाँ से आउट नहीं हो रहा है एक तरह से, ये देखिए। देखिए यहाँ आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी आउटपुट नहीं है, एक देख सकते हैं यहाँ पे, तो कहीं भी यहाँ पे आउट नहीं कर रहा है। तो मेन मैटर इसी IC से है। तो ये IC आप रिप्लेस भी कर सकते हैं और जम्पर से भी काम चला सकते हैं। तो पहले इस IC को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो पहले इस IC को हमें रिमूव कर लेना है। इसको ना पहले यहाँ पे रबड़ पेस्ट दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा पहले काट लेना है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पे। इसे हमने हटा दिया है। देखिए यहाँ पे इतना नाजुक होता है कि बोर्ड फूल जाता है, कितना भी लो में इसको करिए फिर भी ये बोर्ड हमारा फूल जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कमजोर होता है।
यहाँ पे हमने जम्पर लगा दिया है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं आपको कि कहाँ पे लगाना है आपको जम्पर। बिना आईसी चेंज किए हुए आप ये काम कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए यहाँ से आपको देना है, इस कैपिस्टर के पास देना है, यहाँ से यहाँ आपको एक जम्पर लगा देना है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो बिना आईसी चेंज किए हुए आप इसको कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, चार्जिंग केबल लगा के आउटपुट देख लेना है कि हमारा यहाँ चार्जिंग आईसी के पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें अभी मालूम चल जाएगा। तो ये हमारा चार्जिंग डायरेक्ट यहाँ पे आता है, ये देखिए चार्जिंग केबल हमने लगा रखा है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आने लगा है, ये देखिए हमारा चार्जिंग भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। बस आपको सिंपल सा ये जम्पर लगाना है, आईसी निकलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड फूले ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर होता है। तो अब इसको चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग लेता है या नहीं लेता है। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं इसको, देखिए जब आईसी को निकालिएगा तो आईसी के नीचे जो प्रिंट बना हुआ रहता है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे जम्पर लगाना है। ये चीज़ हमें किसी ने सिखाया नहीं है और ना ही हम किसी से सीखे हैं आज तक, सारा काम अपने तरीके से करते हैं और ट्रिक से करते हैं। और अब चेक करना है, तो ये देख सकते हैं कि हमारा चार्जिंग शो कर गया है, ठीक है। तो ये देखिए परसेंटेज जितना चार्ज था आपने ऑन में भी देखा होगा, तो इसको फ़ोन को ऑन करते हैं, क्या पता ऑन में ना ले, तो ये भी हमें चेक कर लेना है। फोन को ऑन कर रहे हैं हम, चलिए ये ऑन हो गया होगा, तो ये ऑन हो गया है। कुछ लोग बता रहे थे कि वीडियो को स्किप काट कूट करके मत बनाया करिए, तो देखिए ऐसा है, वीडियो को इसलिए काट कूट करते हैं कि हम जिस जगह पे काम करते हैं वो समझिए कि हम घर पे ही करते हैं, तो पीछे से बैकग्राउंड में कोई हल्ला हुल्ला करते रहता है, तो इसके कारण भी काटना पड़ता है। और सारा चीज़ हम आपको सामने ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फेक वीडियो बनाते हैं। तो ये चीज़ देखिए चार्जिंग शो कर गया है यहाँ पे, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चार्जिंग ओके हो चुका है, और यही मैटर था, बस चार्जिंग आईसी का मैटर था, वो एक तरह से रेजिस्टेंस होता है जिसको हमें सिर्फ बाईपास करना है चार्जिंग। चलिए हमारा सारा काम हो चुका है क्लियर, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो एक बार फिर से हम आपको जम्पर दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए लोग आईसी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, ये आईसी मार्केट में उपलब्ध भी है पर इसका नंबर बहुत कम लोगों को मालूम होता है, क्योंकि काफ़ी छोटा है ये, तो मालूम नहीं चलता है, इसके कारण ऐसा होता है कि नहीं बन पाता है। तो ये देखिए जम्पर आपको कैसे लगाना है, ये देख सकते हैं यहाँ से हमने यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, इसको बाईपास कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।